सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम सेट फिजिक्स क्लास 12th का जो मॉडल सेट का सॉल्यूशन आया है उसमें हमने सेट 1 से लेकर सेट 1.5 तक का सेक्शन ए पार्ट सेक्शन बी पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं सेक्शन सी पार्ट जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा इसलिए हम मैंने कहा था कि हम थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन हम सॉल्यूशन सबसे पहले लेकर आएंगे और एक्यूरेट सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको क्या लिखना है एग्जाम में ताकि आपके मार्क्स इन शॉर्ट में भी आंसर लिखो और आपके मार्क्स अच्छे आए। इस वीडियो में क्या है कि अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो भी सॉल्यूशन है वो आपका इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में है और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी इन शॉर्ट होगा यानी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा यानी आपको एग्जाम में कितना लिखना है बस उतना ही हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉमन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा हम जो कर रहे हैं अभी वो हमारा सेट 2 है। ठीक है, अभी हम सेट 2 का कर रहे हैं, सेक्शन सी पार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th का हमारा ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम हमारा अपना फिजिक्स सब्जेक्ट है। और बात करते हैं हम आज करने क्या वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ सेक्शन सी पार्ट है ना। सेक्शन सी पार्ट में क्या है, आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यानी 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स यानी आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो जाएंगे 3 × 5 यानी 15 मार्क्स का आपका सेक्शन सी पार्ट होगा। यानी सेक्शन सी पार्ट आपका एक बड़ा मेजर पोर्शन है यानी इसके क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और आंसर काफी अच्छे तरीके से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन एक और आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया है लेकिन वहां पर आपको इन शॉर्ट में लिखना था, यहाँ पर आपको काफी ब्रीफली में लिखना पड़ेगा उसके प्रिंसिपल वर्किंग उसके कंस्ट्रक्शन सभी के बारे में ऑफ स्टेप अप। देखो यहाँ पर स्टेप अप से पूछा गया है, आपको एग्जाम में हो सकता है स्टेप डाउन का भी आ सकता है इसलिए स्टेप अप तो आपने मैं यहाँ बता रहा हूँ इसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप डाउन भी आप पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है हमारा कि इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज है ना, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या फिर उसका उल्टा कर सकते हो कि हाई करंट को ये लो करंट में कन्वर्ट करता है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी होगा वो सेकेंडरी से हमेशा कम होता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है, तो ये वर्क करता है हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर। इट वर्क्स ऑन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। यही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन का हमारा प्रॉपर्टी। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, किसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर देख लो ये इसका पूरा डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, एक कोर है, इसको कहते हैं आयरन कोर। इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड में हमारा रैप किया होता है वायर, इधर एक कॉपर वायर दूसरे साइड में हमारा कॉपर वायर। जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और जो हमारा सेकेंड जो हमारा राइट साइड में होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। तो ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल्स यानी ये दो कॉइल्स कनेक्ट करता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो मैंने बताया। बोथ आर रैप्ड ओवर ए आयरन कोर, ये दोनों एक आयरन कोर पर इस टाइप से रैप किए होते हैं ना अलग अलग। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक टू इच अदर। अब देखो इनके बीच ये दोनों मैंने कॉइल बनाया, इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन ये आपस में एक किसके थ्रू जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े हुए होते हैं मैग्नेटिक लिंक्ड होते हैं। मैग्नेटिक लिंक्ड होने का मतलब है कि यहाँ से अगर इस प्राइमरी वाले में से अगर कोई करंट हम फ्लो कराएंगे मान लो आईपी, तो क्या करेगा, और इसमें मान लो हमने जो वोल्टेज दिया वो अगर वीपी है तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा ये अप्लाई होता है हमारा एसी में, एसी में हमारा करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमती है ना। ये क्या होता है हमारी, ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमती है, तो क्या होगा कि सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी में हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यानी अब इसका पढ़ते वर्किंग क्या है, तो वर्किंग कहता है एन अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी, मैंने क्या कहा प्राइमरी में हमें अल्टरनेटिंग करंट पास कराएंगे आईपी क्रिएट्स ए कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स थ्रू द कोर। तो इस क्रो से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होगा और दिस चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी। और ये जो हमारा इंड्यूस, ये जो हमारा कॉइल में से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है जो चेंजिंग है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा चेंज कर रही है क्योंकि एसी करंट इनपुट का चेंज कर रहा है। तो फ्लक्स चेंज होगा हमारा सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में क्या मिलेगा हमें, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। सिंस मैंने क्या कहा है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं प्राइमरी से, मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा इसमें जो टर्न्स है इसको हम कहते हैं एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और इसमें जो टर्न्स है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। देखो इसमें टर्न्स कम है, प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में टर्न्स हमने ज्यादा बनाया है जो कि यहाँ ग्रीन कलर से बना हुआ नंबर ऑफ टर्न्स। तो
सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज भी सेकेंडरी में ज्यादा होगा, हेंस इट कन्वर्ट्स लो इनपुट वोल्टेज टू हाई इनपुट वोल्टेज, यानी ये लो इनपुट वोल्टेज को हाई इनपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये इसका प्रॉपर आंसर है। और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा, इसमें से कट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ हर चीज को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखो, ये सब कुछ उनके लिए भी है, सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट है, जो मैंने अभी समझाया है उसी चीज को यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ लिख लेना कि यहाँ पर हम जो करंट सप्लाई करते हैं वो आईपी होता है, इसमें जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो प्राइमरी में वो बीपी होता है, और इसमें जो टर्न्स है प्राइमरी में उसको हम एनपी कहते हैं, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा उसे हम एनएस कहेंगे, इसमें जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम वीएस कहेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पर हमने हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या करता है, ये निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। बातें हम क्वेश्चन नंबर 6 में करा है, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का हमें ग्राफ बनाना है फॉर ए मोनोक्रोमेटिक रे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का देखो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ये ग्राफ को आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एक्स एक्सिस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि हम जो एंगल ऑफ जिस एंगल से हम प्रिज्म पर एंगल जो गिर रहा है उस एंगल, ये जो लाइट गिर रही है वो कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, उससे हम कहें एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब वो कितना डेविएट कर जा रहा है ना, हमारा जो रे डायग्राम बनाएंगे तो कितना डेविएट करेगा उसकी वैल्यू ये होती है। तो इसका ग्राफ याद रखना है, ग्राफ कुछ इस तरफ से होता है, ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये ग्राफ ना कुछ इस टाइप से होगा, यानी ये कुछ इस टाइप से होता है ग्राफ, तो ध्यान देना ये सिमेट्रिक नहीं है ना, ये ग्राफ हमारा सही है ना, तो ऐसा ग्राफ बनाना है हमेशा कि एक साइड ये ज्यादा झुका होगा, एक साइड हमारा ये कम झुका हुआ होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रॉपर ग्राफ बनाना है। और वैल्यू कहता है कि हमें जो मिनिमम डेविएशन कब मिलता है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू इक्वल होती है तो हमें मिनिमम डेविएशन मिलता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं बी पार्ट में, लिखता है हेंस डिड्यूस द लेसन, यानी इसका हमने जो ग्राफ बनाया है ये ग्राफ हमने कैसे बनाया, तो हमें इस लेसन को कहा है कि इस लेसन को प्रूफ करो। क्या करना है, इस लेसन को प्रूफ आप करना है। अब प्रूफ करना है तो हमें बहुत ज्यादा तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इन शॉर्ट में प्रूफ क्या करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला इंग्लिश मीडियम में क्या कह रहा हूँ कि ये डायग्राम लेना ना, डायग्राम में क्या करा, ये एक राइट जा रही है ऐसे, ठीक है, इंसिडेंस हुई, हमारा एक प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो अगर म्यू है तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, थोड़ी सी झुक जाएगी इधर, फिर जब ये लाइट अब ग्लास से बाहर जाएगी तो फिर से ये झुक जाएगी ऐसे, यानी इस टाइप से हमारा टोटल डेविएशन होगा। टोटल जो हमारा डेविएशन होता है वो हमारा ये होता है ना, इस एंगल को कहते हैं हम टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ना, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसको लिखना कैसा है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट लिख लो, पी क्यू क्या है ना, क्यू आर क्या है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, पी क्यू आर एस एंगल ए प्रिज्म है, एंगल आई वन इंसिडेंस, एंगल ऑफ फेस ए बी, ए बी में जो एंगल इंसिडेंस हो रही है उसकी वैल्यू है ना ए बी में, ए सी की अगर बात करें आर एस, आर एस हमारा इमरजेंट रहे, और हमारा जो एंगल आई टू है, एंगल आई टू क्या है, ये हमारा इमरजेंट रहे, यानी जो रे प्रिज्म से बाहर आएगी फिर से वापस एयर में, तो एंगल हमारा आई टू हो जाएगा। आर वन और आर टू का जो ये अंदर देखो आर वन बन रहा होगा, यहाँ पर आर टू बन रहा होगा, ये आर वन आर टू क्या होता है, रिफ्रेक्टेड एंगल ऑफ ए बी फेस और रिफ्रेक्टेड एंगल ऑफ ए सी फेस है ना, इसका वैल्यू ये होता है, चेक कर लेना यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ इसको पढ़ लो एक बार, आपने पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा, बाकी अगर नहीं समझ आ रहा है तो मेरा बाकी वीडियो देख लो, मैंने इस पर वीडियो बनाया बड़े अच्छे तरीके से, मैंने वहां पर प्रूफ भी किया है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर काफी शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना कि टोटल डेविएशन, ठीक है, टोटल जो हमारा डेविएशन होता है डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये होता है हमारा टोटल डेविएशन। तो डायरेक्ट यहाँ तक ना है, कैसे किया था ये हम बाय ज्योमेट्री करते हैं, पूरा प्रूफ मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, एग्जाम में आपको इन शॉर्ट में लिखना है तो बस इस तरह से करेंगे। और हमारा जो एंगल ऑफ आर वन और आर टू के लिए क्या जाती है, एंगल ऑफ ए के इक्वल हो जाती है, यानी ग्राफ में देखोगे तो अंगर में जो एंगल आर वन और ये आर टू है इसकी वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो जाती है, यानी यहाँ से क्या कहते हैं आर वन एंड आर टू की वैल्यू में क्या पुट कर लिया ए, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा हमारा आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू की जगह हमने लिख लिया एंगल ए, ये हो गया हमारा डेल्टा। अब कहता है कि जब मिनिमम डेविएशन हो, याद रखना जब हमें पूछा कि मिनिमम डेविएशन हो उसमें क्या होता है, ये I1 और I2 की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है, उसकी वैल्यू I के इक्वल हो जाती है, सिमिलर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो हमारा जो डेल्टा के जगह हमने डेल्टा m लिख लिया, I प्लस I तो हो जाएगा 2i, ये बन जाएगा 2i माइनस a, यहाँ से एंगल I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसको हम I1 कहोगे चाहे इसको आप I2 कहोगे, इसको हमने I एज्यूम कर लिया था तो ये I की वैल्यू हो गई। सिमिलर क्या होता है कि जब मिनिमम डेविएशन होगा उसमें R1 R2 की वैल्यू R के इक्वल हो जाती है, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसको हमने
आर की फुल मान लिया, दैट मीन्स आर वन प्लस आर टू की वैल्यू क्या थी, ए थी, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू। ए बाई टू क्यों होगा, क्योंकि हमने आर वन प्लस आर टू की वैल्यू आर आर पुट की थी, तो टू आर इक्वल टू ए हो जाएगा, तो आर इक्वल टू ए बाई टू हो जाएगा। अब फ्रॉम हम कहा लगाते हैं, अब हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं हम ए बी सर्फेस पर। देखो ये जो हमारा ए बी सर्फेस है, यहाँ पर अगर आप स्नेल्स लॉ यूज करो, तो मैंने क्या बताया था कि अगर बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन और अंदर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू हो, तो म्यू वन इंटू आई आई वन है ना, म्यू वन इंटू आई वन इक्वल टू म्यू टू इंटू आर वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया है, ठीक है। अब आई वन की वैल्यू क्या है, अभी हमने वो बताया था कि हमने जो आई वन की वैल्यू वो आई के इक्वल हो गई है, ठीक है, और जो R1 है वो भी R के इक्वल हो गया है, यानी इसको आप लिख सकते हैं। और हमारा जो म्यू वन की वैल्यू, देख लो कि म्यू वन की वैल्यू हम एयर मान रहे तो वन होगा, और म्यू टू की वैल्यू हम मान लेते हैं लेट सपोज म्यू है, यानी जो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो अगर म्यू है, तो इसमें म्यू लिख लिया, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा ना, अब वैल्यू यहाँ पुट कर देना, म्यू वन की वैल्यू वन, तो वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपन सारा स्नेल्स लॉ से। अब आई वन और आर वन की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना, यहाँ से तो इन दोनों की वैल्यू क्या रख लोगे, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू। ये हो गया आपका प्रॉपर डेरिवेशन। वीडियो को पॉज करके स्लोली स्लोली देखना, रोज रोक करके पॉज करके देखना, तो आपको बातें यहाँ पर समझ आ जाएंगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सबके लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी सब कुछ हमने सेम डायग्राम बनाया है, आपको भी सेम डायग्राम वहाँ पर जाकर बनाना है। हिंदी मीडियम के लिए सब कुछ यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। बाकी बात करते हैं कि जो कुल विचलन यानी टोटल जो डेविएशन होता है वो डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आई टू मैंने बताया था, और आर वन और आर टू की वैल्यू ए के इक्वल होती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो आई वन प्लस आई टू माइनस ए। बाकी हमारा जो पूरा जो हमारा जो पुराना डेविएशन है वो सेम के जैसा है, और बस यहाँ पर ये लिख लेना कि आपकी जो म्यू वन की वैल्यू है वो म्यू है, और म्यू टू की वैल्यू कितनी है वो म्यू है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को रखोगे आपका आंसर आ जाएगा म्यू की वैल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये हो गया प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना। चलिए बात करते हैं, हमारा स्टेट हाइजिंग प्रिंसिपल को कहा था कि स्टेट यानी इसको प्रूफ बताओ क्या होता है, एंड यूजिंग हाइजिंग प्रिंसिपल इस्टेब्लिश लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है हमारा हाइजिंग प्रिंसिपल, तो हाइजिंग कहता है कि द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई लाइट निकलती है तो उसमें से क्या होते हैं, वो लाइट बहुत वेव टाइप के फॉर्म में निकलती है, तो सारे वेव यानी वो ऐसे पार्टिकल जो का फेज सेम हो यानी वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, अगर उनको हम ज्वाइंट करेंगे तो एक हमारा एक सर्कल बनेगा, उसे क्या कहेगा, उसे कहेंगे हम वेव फ्रंट। यानी यहाँ पर बात करो तो वेव फ्रंट कौन है, तो यहाँ पर ये यह हमारा हो गया वेव फ्रंट, ठीक है, ये हो गया हमारा वेव फ्रंट। कहता है ये हमारा वेव फ्रंट होता है, कहता है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स व्हिच स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ लाइट। कहता है कि इस वेव फ्रंट पर अब क्या होगा कि एक एक पॉइंट चूज कर लो ना, ये हमारा वेव फ्रंट था, इसमें हर एक एक पॉइंट है ना, याद ध्यान है ना, यहाँ पर जो हमारा एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट क्या कहता है, ये भी एक हमारा सेकेंडरी सोर्स के जैसा बिहेव करता है, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, और ये स्फेरिकल फॉर्म में बाहर निकलता है। देखोगे यहाँ पर जो डॉट डॉट फॉर्म में है वो हमारा स्फीयर बन रहा है फिर से, और ये जिधर वेव जाएगी उधर ही हमारा ये वेव फ्रंट भी ट्रैवल करता है, यानी इधर हमारा लाइट ट्रैवल करेगा, यानी लाइट वेव हमारा ट्रैवल करेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। लिखता है द सम ऑफ दिस स्फेरिकल वेवलेट्स फ्रॉम द वेव फ्रंट। अब ये देखो ये जहां पर मिलेगी है ना, मान लो अगर ये पॉइंट फिर से सबको यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ पर मिल रहा है फिर से, तो इस पॉइंट पर क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ये हमारा एक और वेव फ्रंट बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी मैंने यहाँ सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है, जो मैंने अभी समझाया है वही चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, यानी एक ही चरण में कंपन करने वाले सभी कणों के स्थान को तरंग गागर के रूप में कहा जाता है, जिसे हमने वेव फ्रंट कहा था, यानी जो हमारा वेव फ्रंट को हम तरंग गागर कहते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो अपने गोलाकार तरंगों का स्रोत होता है, यानी वो एक स्फेरिकल सोर्स ऑफ वेवलेट्स होता है, जो प्रकाश की गति से आगे दिशा में फैलते हैं यानी चलते हैं। इन गोलाकार तरंगों को का योग तरंगागर का बनाता है, यानी ये जो हमारा गोलाकार तरंग होगा यानी जो वेवलेट्स होगा वो आपस में फिर मिलकर क्या बना देंगे, एक नया वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारा हाइजिंग प्रिंसिपल, आपको ये लिखना था। सेकंड पार्ट पूछा है कि यूजिंग हाइजिंग प्रिंसिपल इस्टेब्लिश लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी हाइजिंग प्रिंसिपल का यूज करके आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये देखो हमने क्या किया है, इस चीज को मैं ज्यादा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है कि मान लो दो लाइट आ रही है ना, ऐसे एक लाइट आ रही है,
तो देखो ये जो लाइट आ रही है एस से, वो तो पहले इस ए पॉइंट पर मिल गई। मान लो एक्स वाई हमारा एक प्लेन था ना, जहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। तो एक्स वाई हमारा प्लेन हो गया, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन अपनी वीडियो में दिखाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ये प्लेन देखो, तो ये एस से लाइट पहले पहुंच जाएगी ए पर, जबकि जो एन से लाइट आ रही थी उसको, जब तक ये ए पर पहुंच जाएगा तब तक ये लाइट दूसरी लाइट से बी तक पहुंची थी। यानी इसको बी से, फिर जब तक ये सी तक पहुंचेगा ना, दूसरी लाइट को जब बी से वो सी तक पहुंच रहा होगा, तब तक ये ए लाइट ए से डी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, दोनों को टाइम सेम लगेगा। तो हम मानते हैं कि ऊपर वाले रियर मीडियम में वेलोसिटी वी वन है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी वी टू है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी में वी वन था और टाइम लगा इसे टी, तो वी वन टी। इधर जो हमारा जो जो दूसरे मीडियम में चला, जो चला है रे, उसकी कितनी हो जाएगी लेंथ, वो हो जाएगा इसमें वेलोसिटी है दूसरे मीडियम में वी टू और टाइम लगा टी, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस टोटल वी टू टी। इस चीज को क्या किया मैंने, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में मैंने, या फिर पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। याद रखना यहाँ पर ये हमारा एंगल बनाते हैं 90, ये बनाते हैं एंगल 90, ये है एंगल होता है हमारा आई, ये एंगल होता है हमारा आर। क्या करते हैं हम पहले ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, कौन सा पहला हम ट्राइंगल यूज करते हैं, एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। देखो ट्राइंगल ए बी सी ये हमारा हो गया, इसमें आप लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे आप साइन थीटा यानी साइन आर। ठीक है, इसमें आप यूज करोगे साइन ए डी सी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप चेक कर लेना, यहाँ पर एंगल आपका थोड़ा सा करेक्ट कर लो, है ना, ये एंगल आई यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ना, कि ये साइन आई है ना, डी सी ए। ठीक है चलो, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक करेक्शन करना है क्या, कि यहाँ पर नीचे हमारा ए बी सी हो जाएगा ना, ये ए बी सी है ट्राइंगल और ऊपर हमारा ए डी सी है। ठीक है चलो, पहले हम देखते हैं नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो नीचे वाले ट्राइंगल देख लो, ए डी सी है ना, ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में देखो हम अगर बात करते हैं, अगर हम साइन आर लिखे यानी एंगल डी सी ए यानी होगा एंगल आर, तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगी ए डी अपॉन, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। अब ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, है ना, क्या बात करते हैं हम, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ऊपर वाले अगर आप ट्राइंगल की बात करोगे, तो ऊपर ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ए बी सी, ए बी सी में आप लिखोगे साइन आई, तो ये हमारा एंगल आई है। साइन आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अगर यहाँ पर आप साइन आई की कैलकुलेट करना चाहोगे, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ से हमने साइन आई अपन साइन आई की आर की वैल्यू किया, तो ये ए सी सी का टर्म कैंसिल आउट होगा, बचेगा बी सी अपॉन ए डी। बी सी कितनी थी, वी वन टी, बी और ए डी कितना था, वी टू टी। टी टी से टर्म कैंसिल होगा, साइन आई अपन साइन आर की वैल्यू वी वन अपन वी टू हो जाएगा। और वी नो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, ये होता है जैसे जैसे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है वेलोसिटी घट जाती है। तो मी वन वी वन बाई वी टू की वैल्यू हो जाएगी म्यू टू बाई वी वन इन टर्म्स ऑफ म्यू, ये हो जाएगा हमारा फाइनल साइन आई अपन साइन आर की वैल्यू म्यू। इसे क्या कहते हैं, यानी दिस प्रूफ स्नेल्स लॉ है ना, यही तो प्रूफ करता है, यानी दिस प्रूफ स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ किसके लिए था, स्नेल्स लॉ था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए। तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है पूरा स्नेल्स लॉ, यानी आपको ये डायग्राम बनाकर ये प्रॉपर चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हिंदी मीडियम के स्नेल्स के लिए भी मैंने यहाँ पर क्या है, सब कुछ सेम तरीके में लिखा है, बस आपको यहाँ भी एक चीज थोड़ा सा चेंज कर लेना, कि ऊपर ट्राइंगल हमारा ए डी सी है और नीचे का ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। ठीक है, बात हो जाएगी, यहाँ समझ आ जाएगी, और मैंने यहाँ सब चीज को पहले की तरह हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, लिखा है डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को आप डिफाइन करो। उसके बाद आपको पूछा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट इंडिकेट विच ऑफ द डायोड आर फॉरवर्ड बायस एंड विन एंड इन विच आर रिवर्स बायस। तो पहला के पहले डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस को आप डिफाइन करो। इसका भी लेक्चर आपको पूरे पूरा प्रॉपर लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि 1-2 दिन में हमारा ये लेक्चर आ जाएगा। तो क्या कहता है फॉरवर्ड बायस, क्या होता है फॉरवर्ड बायस, कहते हैं कि जब किसी भी पीएन जंक्शन ना, देखो पीएन जंक्शन के दो साइड होते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है हमारा, पीएन जंक्शन हम इसे कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, ये हमारा पी टाइप होता है और दूसरा हमारा एन टाइप होता है, ये हमारा साइड हो गया पी टाइप और एन साइड का। ठीक है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज एरिया, एन टाइप होगा हमारा नेगेटिव, ये हो गया पी, ये हो गया एन। तो कहता है इस जब पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और जो हमारा एन साइड था, एन साइड को हम नेगेटिव साइड से जोड़ दें, है ना, पी को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव साइड से और एन को जोड़ दिया हमने नेगेटिव साइड से, तो इस टाइप के बायसिंग को क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है, एंड इन फॉरवर्ड बायस करंट इज मेनली फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है होल्स। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, यानी जो मैक्सिमम जो होगा उसके कारण करंट फ्लो होगा। जैसे पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर वो हमारा होल्स होता है, और एन टाइप में हमारा जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है।
तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही फ्लो करता है। और इसमें जो करंट की वैल्यू होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, वो कुछ मिली एम्पियर का हमें करंट मिलता है इस टाइप के सर्किट में, यानी फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस क्या होता है? रिवर्स बायस होता है कि जब हम पी टाइप को, जब हम पी साइड को किसे जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। देखो ना, यहाँ पर हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया है इसको, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने कहाँ जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया हमने इन साइड से, यानी पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो इस टाइप के बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायस कहते हैं। और रिवर्स बायस में क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हमारा फ्लो करता है। और इसमें जो करंट किस ऑर्डर का मिलता है, हमें जो करंट मिलता है वो हमें माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का हमें करंट इसमें मिलता है। तो ये हो गया हमारा, पहला हो गया फॉरवर्ड बायस, दूसरा हो गया रिवर्स बायस। प्रॉपर डायग्राम बना कर आना है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना, तो डायग्राम जरूर आपको बनाकर आना है। ठीक है, इसमें आप कुछ चीजें को चाहो तो स्किप कर सकते हो ना, जैसे अगर आपको स्किप करना है तो आप इन सब चीजों को मत बनाना ना, ऊपर जो मैंने बनाया है इन सब चीजों को आप मत बनाना ना, नहीं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बाकी आप अपने नोट्स में जो भी लिख रहे हो, आप जहां से क्लासेस कर रहे हो वहां पर इसको देख लेना, इसको नहीं बनाना है सब चीजों को। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आते हैं हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ये भी रहा हमारा अगर बायस, अच्छे कहते हैं फर्स्ट बायस ना, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या। मैंने अभी कहा, एक्सप्लेन किया था कि पी टाइप को जोड़ दो पॉजिटिव से और एन टाइप को जोड़ दो नेगेटिव से, तो बन जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस क्या होगा, जब पी टाइप को जोड़ दो नेगेटिव से और एन टाइप को जोड़ दो पॉजिटिव से, मतलब उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। बाकी सब कुछ क्या है, यहाँ पर हमने बताया है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है, और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर के रेंज का होता है। और जो हमारा रिवर्स बायस होगा उसमें जो करंट फ्लो करता है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करंट फ्लो करता है, और इसमें जो करंट मिलता है वो भी करंट हमें बहुत कम, यानी माइक्रो एम्पियर का करंट हमें मिलता है। यानी फॉरवर्ड बायस में हमें ज्यादा करंट मिलेगा, रिवर्स बायस में हमें करंट बहुत कम मिलेगा। कहता है कि इसको आप डिफाइन करो, है ना, क्या कहा हमसे कि इसको आप डिफाइन करो कि कौन फॉरवर्ड बायस में कौन रिवर्स बायस में। तो चीजों को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो ये बैटरी का, ये डायोड का हमने बताया पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हर डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम पहले बना लेते हैं, अब चेक करते हैं एक एक करके। तो देखो पहले वाली फिगर में आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा बना दो, ये +5 वोल्ट बना हुआ है, ये आपका +7 वोल्ट बना हुआ है ना, +7 वोल्ट। यहाँ बात करें तो ये -10 वोल्ट है, दूसरा हमारा अर्थ है। अब अर्थिंग होती है तो पोटेंशियल हो जाता है 0। यहाँ बात करें तो ये -10 वोल्ट है और इसका जो यहाँ पर लगा हुआ वो -5 वोल्ट है। अब चेक करते एक एक करके, देखो क्या ये पहला वाला फॉरवर्ड बायस में या यहाँ रिवर्स बायस में। तो अब देखो कि बताओ कौन पोटेंशियल ज्यादा है, 5 + 5 वोल्ट ज्यादा है या +7 वोल्ट। तो बोलोगे सर +7 वोल्ट ज्यादा है, यानी +7 वोल्ट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 वोल्ट ज्यादा है, यानी ये हमारा हायर पोटेंशियल पर है, और हायर पोटेंशियल किससे जुड़ा हुआ, नेगेटिव से। यानी कह सकते हो कि जो नेट पोटेंशियल वो किधर आएगा, ऊपर होगा। यानी आप मान सकते हो कि इसका जो नेट वोल्टेज आएगा वो कितना हो जाएगा, इसको कुछ एज्यूम करो, मैं सिर्फ समझाने में बता रहा हूँ कि इसको एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर 2 वोल्ट हो और यहाँ पर 0 वोल्ट हो। क्यों? क्योंकि 7 - 5 करोगे तो क्या आएगा, +2 वोल्ट का डिफरेंस है। तो अब बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है, आपको लगेगा कि सर ये तो 2 वोल्ट यानी यहाँ हायर पोटेंशियल है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और जो जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब ये रिवर्स बायस का कहीं ना कहीं केस आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये हमारा इसको बोलते हैं ये रिवर्स बायस है ना। तो सिर्फ ध्यान दो ना, ये आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। जैसे अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर आप पोटेंशियल की बात करो तो ये हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा डायोड का वो जुड़ा हुआ -10 वोल्ट से, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा डायोड का वो जुड़ा है बैटरी के किस, यानी 0 पोटेंशियल से, मतलब अर्थिंग, अर्थिंग मतलब 0 पोटेंशियल। अब बता पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा है, 0 ज्यादा होता है या -10। तो बोलोगे सर 0 ज्यादा होता है, यानी 0 ज्यादा है और वो किससे जुड़ा हुआ, प्लस से, और जो माइनस वाला टर्म है जो यानी जो वैल्यू पोटेंशियल कम है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यानी इस टाइप के बायस को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस है। वीडियो को थोड़ा सा आराम से करना, पहले इसका पहले आप समझ लेना अच्छे से, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि पी टाइप को जोड़ते हैं हायर पोटेंशियल से, एन टाइप को जोड़ते हैं लोअर पोटेंशियल से, याद रखना है ना, वो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ पर चेक करते हैं थोड़ा सा फिर से, यहाँ पर हमारा ये डायोड का हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैसेज नोट करते हैं। अब देखो कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो देखो सर नेगेटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव जुड़ा हुआ हमारा -5 वोल्ट से और नेगेटिव जुड़ा हुआ है -10 वोल्ट से। अब बताओ हायर पोटेंशियल पर कौन, तो बोलो सर हायर पोटेंशियल पर कौन है, -5 वोल्ट, क्योंकि -5 वोल्ट ज्यादा है, -5 ज्यादा है -10 से, तो यानी -5 ज्यादा है -10 से, यानी -5 जो वोल्ट है यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और ज्यादा पोटेंशियल जुड़ा हुआ है प्लस से,
और जो पोटेंशियल हमारा था कम, मतलब -10 वोल्ट जो कम था वो जुड़ा हुआ है माइनस वाले साइड से, यानी एंड साइड से। तो इस टाइप के, यानी इस टाइप के हमारा जो बायस होगा ये क्या होगा, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस ही होगा, है ना, यानी अग्र बायस ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसको पी साइड कहते हैं, ये एन साइड, मैंने यहाँ फिर से लिख दिया, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जाकर एनसीईआरटी में भी देखना, ये प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, बात समझ जाएगी, यानी आपको प्रॉपर ये तरीके से देख के समझना पड़ेगा। बाकी इसके पे हम जब वीडियो लेक्चर लाएंगे तो हम आपको वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन और करेंगे। बाकी जिनको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या रहा है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, एंड सेकंड पार्ट पूछा है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर इट। तो कह रहे थे अगर दो वेव लाइट जब इंटरफेयर करती है तो उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, यानी पर उसकी परिणामी तीव्रता कितनी होती है, उसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और सेकंड हमसे पॉइंट पूछा है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है और उसके होने की शर्तें क्या है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया पहला कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो कहता है व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस सुपर इंपोज ईच अदर, यानी दो वेवलेंथ, यानी दो जब दो वेव जिनका वेवलेंथ फिक्स हो, यानी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच का फेज डिफरेंस यानी कला अंतर सेम हो और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करें, यानी एक दूसरे पर मिलती हैं, तो इस प्रकार जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होगा, दोनों के अलग अलग वैल्यू के, यानी दोनों का अलग अलग जो एम्पलीट्यूड होगा उससे जब ये दोनों मिलेंगी तो अब जो नया बनेगा एम्पलीट्यूड वो दोनों से अलग होगा। एंड दिस मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी, इस प्रकार क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो आप दो टॉर्च जलाओगे तो दोनों की अपनी अपनी लाइट है, लेकिन जब दोनों की लाइट जहां मिलेगी वहां पर लाइट ज्यादा होगा ना। तो सेम प्रोसेस यहां पर है कि जब दो वेव आएगी अलग अलग, लेकिन जब दोनों वेव जहां पर मिलेगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा चेंज हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी हो सकता है कि बढ़े या तो घटे ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्च का केस और ये वेव का केस अलग अलग होता है। तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये होता है ए1 और ए2 क्या है, ए1 और ए2 है दो वेव का एम्पलीट्यूड। तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। cos phi क्या होता है, हमारा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। यानी हमारा जो पहला है वो a1 की वैल्यू है ना, ये होता हमारा, ठीक है। अब इसका जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है यानी जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसका जो स्क्वायर होता है वो डिपेंड करता है आई पे। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर सारी वैल्यू को रख के सॉल्व किया है, ठीक है। और इसके बाद एम्पलीट्यूड से आप निकाल सकते हैं इंटेंसिटी, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि नेट इंटेंसिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक। फिर पूछा था हमसे व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कहता है कि जब इस टाइप से दो वेव जब आपस में मिलेंगी तो अगर नेट इंटेंसिटी बढ़ जाए, यानी नेट इंटेंसिटी आई की वैल्यू दोनों के सम से ज्यादा हो जाए, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारी फाई की वैल्यू, याद रखना, जब ऐसा कब होगा, जो वहां पर हमने कॉस फाई लिखा था, कॉस फाई की वैल्यू 2n पाई हो जाए, ठीक है। तो एक काम करना, पहले आप क्या कर लो कि पहले इस कॉस फाई की वैल्यू क्या पुट कर लो, जीरो पुट कर लो। जीरो पुट करोगे तो आपको नेट इंटेंसिटी मिल जाएगा ना, और इस प्रकार से आपको जो नेट इंटेंसिटी मिलेगा, क्या मतलब कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो नेट इंटेंसिटी मिलेगा वो इंटेंसिटी क्या होगा, वो इंटेंसिटी हो जाएगा, आप पहले को पुट करोगे आई वन प्लस आई टू, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नेट इंटेंसिटी आती है वो आई की वैल्यू आई वन और आई टू से ज्यादा आती है, ठीक है। बस जितना पूछा था उतना ही लिख रहे हैं। ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो जाए, ये होता हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यही लिखा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यक्तिकरण, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप संपोषी व्यक्तिकरण भी कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमने निकाला, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, और हमें पता है कि एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ से हमने ये रीजन फाइंड आउट कर लिया, फाइव होता है हमारा इनिशियल कला का अंतर, ठीक है। बात करते हैं हमारा कि जो हमारा यहाँ पर नेट इंटेंसिटी आएगा, यानी कब कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों का तीव्रता का योग है ना, जब जो हमारा नेट तीव्रता आएगी वो दोनों के तीव्रता के योग से ज्यादा हो, तो इस टाइप की इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और ऐसा कब कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए n लैम्डा, यानी जो हमारा डेल्टा की वैल्यू होती है वो n लैम्डा के इक्वल हो जाए, ठीक है। मैंने क्या किया, उसी चीज का यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दिया है, तो हिंदी में जो स्टूडेंट्स यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारा 5 क्वेश्चन आज हमारा कम्प्लीट हो जाता है सेक्शन सेट 2 का, ठीक है। सेट 2 का हमने
पांच क्वेश्चन हमने अब कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में मैंने आंसर काफी प्रिसाइज में लिखा है, इन शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं, कम लिखोगे तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आपने 2 साल से कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर जहां तक मुझे याद है आपने नहीं दिया होगा, क्योंकि आपका 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है। तो लिखने की हैबिट बनाओ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से करो, जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका आंसर को खुद से लिखो, समझो, है ना। और नहीं समझ आता है तो आकर इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। और समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से जाकर वापस देखना है आपको। बाकी जो लोग नए लोग हैं या जो लोग हैं जिन्होंने जो हमारे वीडियो को रेगुलर आके देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर यहाँ पर प्रेस कर दो ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। बाकी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां पर भी आप सब हमें फॉलो कर सकते हो, इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।